हर एक टॉपर स्टूडेंट की एक खूबी होती है जो कि है टाइम टेबल बनाना और उसे सही तरीके से फॉलो करना अगर आपने टाइम टेबल बनाने की और फॉलो करने की कला सीख ली ना तो आपको 95 परसेंट लाने से कोई रोक नहीं सकता सो हाई एवरीवन मेरा नाम है प्रशांत और, और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आ गए क्लास नाइन्थ या फिर क्लास टेन के अंदर अभी नई नई तुम आयो और अभी तुम्हारे अंदर जोश होगा कि पढ़ने का जोश होगा सोच रहे हो ना कि भैया एक ऐसा टाइम टेबल बना दो जिससे कि हम टॉपर बन जाए ना चाहे भैया टाइम टेबल दो घंटे का हो दस घंटे का हो फर्क नहीं पड़ता हमें तो टॉपर बनना है जोश टाइम बनाते हैं कि सुबह उठेंगे। उसके बाद स्कूल जाएंगे स्कूल से वापस आएंगे थोड़ा बहुत रेस्ट लेंगे खाना वाना खाएंगे उसके बाद ट्यूशन या फिर ऑनलाइन क्लास के अंदर चले जाएंगे फिर आएंगे शाम को और शाम को लग के पढ़ाई करेंगे है ना और रात को ग्यारह बजे तक सो जाएंगे सोच रहे हो ना इस प्रकार का टाइम टेबल बनाने का बट मैं गारंटी से बोल देता हूं इस टाइम टेबल को कट कर दो क्योंकि ये टाइम टेबल तुम ज्यादा से ज्यादा चार पांच या फिर छह दिन फॉलो कर सकते हो उसके बाद फॉलो नहीं हो पाएगा पता है क्यों क्योंकि देखो मैं ना बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट से बात करता हूँ और पिछले दो या तीन साल में क्लास नाइन क्लास टेन के बहुत टॉपर स्टूडेंट से बात कर चुका हूँ और सबने एक चीज मुझे बताई कि जिस जिसने टाइम टाइम टेबल टेबल बनाया कोई भी इस टाइम को फॉलो करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया ज्यादा से ज्यादा एक महीने टाइम टेबल तुम फॉलो कर सकते हो उसके बाद नहीं हो पाता पता है क्यों अभी शुरू शुरू में तो तुम पढ़ लोगे उसके बाद इमेजिन करो तुमने टाइम बना रखा है पढ़ने का आठ बजे से नौ बजे का अब कभी कभार क्या होगा कि ना रिश्तेदारों की शादियां आ जाएंगी है ना तुम्हारे भाई का बर्थडे आ जाएगा किसी का कुछ हो जाएगा किसी का कुछ हो जाएगा तुम वहां पर चले जाओगे अब टाइम टाइम टेबल टेबल बिगड़ गया है ना और उस दिन से तुम इस टाइम को फॉलो करना बंद कर दोगे इसलिए बोल रहा हूं ऐसे टाइम टेबल तो बिल्कुल मत बनाना ये सबसे बड़ी मूर्खता है और तुम्हें मूर्ख नहीं बनना है तुम्हें होशियार बनना है होशियार कैसे बनोगे नए प्रकार के टाइम टेबल को बनाकर ठीक है अब भैया टाइम टेबल बनाना कैसे है उसके बारे में बात करो यार कैसे हम टॉपर बनेंगे उसके बारे में बताओ तो देखो टाइम टेबल बनाने का कुछ प्रोसीजर है सबसे पहले तो मेरा आपसे एक सवाल, सवाल यह है क्या आप मॉर्निंग में अच्छा पढ़ सकते हो या फिर आप रात को अच्छा पढ़ सकते हो जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सुबह सुबह उठ के बड़ा अच्छा पढ़ते हैं पांच बजे छह बजे स्कूल से पहले वाला मतलब मेरा मॉर्निंग से मतलब है स्कूल से पहले एक घंटा कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि रात को अच्छा पढ़ते हैं जैसे कि नौ बजे दस बजे है ना रात का जो टाइम होता है उसमें अच्छा पढ़ सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको अभी कमेंट करके बताना है कि आप रात में अच्छा पढ़ते हो तो नाइट लिखना कमेंट के अंदर अगर आप दिन में अच्छा पढ़ते हो तो आपको क्या करना है मॉर्निंग लिखना है कमेंट के अंदर ठीक है अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि बोलेंगे भैया हमें तो पता ही नहीं है ना अरे तुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि तुमने अभी तक ढंग से पढ़ाई करना स्टार्ट ही नहीं किया है तो सबसे पहली चीज है कि तुम यार पढ़ना स्टार्ट करो है ना जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम रात को अच्छा पढ़ते हो या फिर दिन में अच्छा पढ़ते हो ठीक है तो सबसे पहला स्टेप तो यह है आपको यह पता करना पड़ेगा कि आप सुबह अच्छा पढ़ते हो या फिर रात को अच्छा पढ़ते हो ठीक है मैं आपको बता देता हूं सिर्फ बीस या तीस ऐसे बच्चे हैं जो कि आज के समय पर सुबह अच्छा पढ़ते हैं जबकि एट्टी स्टूडेंट्स होंगे जो कि रात को अच्छा पढ़ते हैं मैं स्टूडेंट से कनेक्टेड रहता हूं तो मुझे इतना बहुत पता है ठीक है आगे बात करते हैं अब आती है स्ट्रेटेजी की टाइम टेबल बनाना कैसे भैया

आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है ना उसमें आपको क्या करना है एक घंटा मांग रहा हूं एक घंटे में आपको क्या करना है जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है हर रोज वो पढ़ना है जैसे कि आपके कोई वीक सब्जेक्ट होंगे कुछ बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं होगी कुछ बच्चों को एसएसटी पसंद नहीं होगी किसी को साइंस पसंद नहीं होगी है ना वैसे साइंस मुझसे पढ़ रहे हो तो साइंस तो पसंद आ जाएगी बट अगर पसंद नहीं है तो वो जो एक घंटा है ना उस एक घंटे में क्या करो आप हार्ड सब्जेक्ट पढ़ो

थोड़ी बड़ी क्लास के अंदर आ गए हो हो थोड़ा बहुत सीरियस होना पड़ेगा दोस्त तो वो जो तुम घंटा खराब खराब करते ना उस घंटे को नहीं करना है उसके अंदर हमें क्या करना है उसके अंदर हमें करना है होमवर्क क्या करना है होमवर्क ये होमवर्क ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है है ना स्कूल का होमवर्क ट्यूशन का होमवर्क बच्चे होमवर्क में ही पड़े रह जाते हैं मैं क्या बोल रहा हूं होमवर्क सिर्फ रात को सोने से पहले करो है ना क्योंकि उस समय पर आपका फोकस बहुत कम होता है आपको नींद आ रही होती है और आपको पता आप कैसे करते है अनप्रोडक्टिव टाइम में करो मतलब सोने से एक घंटे पहले आप ये दो चीजें करो बस क्योंकि इन दो चीजों में उतना दिमाग नहीं लगेगा है ना इन दो चीजों में आपका ज्यादा बहुत दिमाग नहीं लगेगा बट इस चीज के अंदर हार्ड सब्जेक्ट के अंदर आपका दिमाग लगेगा ये हो गया प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव टाइम अब फाइनल टाइम टेबल मैं आपको दिखा देता हूं मैं आपसे हर रोज केवल दो घंटे मांग रहा हूं अगर आप दो घंटे सेल्फ स्टडी को देने को तैयार हो मैं आज आपको लिख के दे सकता हूं कि आप 95 परसेंट लेकर आओगे तुम्हें लग रहा होगा भैया टेंथ क्लास में आ गए इतनी क्लास है दो घंटे बस हाँ बस इतना पढ़ना इनफ होता है बट तुम्हें कंसिस्टेंटली हर रोज पढ़ना पड़ेगा फिर ये नहीं होना चाहिए कि भैया वो ना मामा की शादी हो रही है वहां चले जाऊं आठ दस दिन अब वो वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हो सुबह उठ के तो आपको अपना एक घंटा कब लगाना है, है तो आपको, पांच से पांच से आपको एक घंटे पढ़ना है और वो होगा आपका प्रोडक्टिव टाइम जिसमें कि आप हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ोगे ठीक है दूसरा एक घंटा आपको निकालना है रात को सोने से पहले रात को सोने से पहले उस समय पर आप क्या करोगे होमवर्क और रिवीजन सिमिलरली अगर आप रात को पढ़ते हो तो जैसे आप ट्यूशन से आ रहे हो ना जैसे आप ट्यूशन से आए आपने खाना वाना खाया उसके बाद का जो एक घंटा होता है ना जैसे इमेजिन करो आठ से नौ या फिर नौ से दस ये वाला जो एक घंटा होता है ना ये आपके लिए प्रोडक्टिव टाइम हो सकता है तो इस समय पर आप क्या करो इस समय पर आप अपना टफ सब्जेक्ट पढ़ाई कर लो और रात को सोने वाला जो एक घंटा है जैसे कि अगर आप बारह बजे सोते हो तो ग्यारह से बारह का जो टाइम है उस समय पर आपको क्या करना है आपका होमवर्क और रिविजन तो अगर आप सुबह पढ़ते हो ये टाइम टेबल अगर आप रात को पढ़ते हो ये टाइम टेबल

बट कंसिस्टेंसी से हर रोज पढ़ना पड़ेगा अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आखिरी में बड़ी प्रॉब्लम होने लगेगी लास्ट में तुम्हें रिलाईज होगा जब बोर्ड के एग्जाम में एक दो महीना होगा और तुम सोचोगे यार मेरा तो बहुत सारा सिलेबस बचा है मेरी तो बैकलॉग बचा है क्यों बची है क्योंकि तुमने कंसिस्टेंसी से फॉलो नहीं करा तो याद रखना सारे टाइम टेबल फॉलो करने के लिए चाहे कोई भी टाइम टेबल हो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा तो खुद से एक वादा कर लो कि यस आई विल फॉलो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है तु और इसी से ही आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करके आ पाओगे ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन एंड याद रखना अभी क्लास नाइन्थ में आए हो कुछ लोग अभी क्लास टेंथ के अंदर आए हैं डरना नहीं है घबराना नहीं है बहुत सिंपल क्लास है आराम से निकल जाएगी है ना और प्रशान भैया तो साथ हैं तो टेंशन नहीं लेनी और कमेंट करके बताना तुम रात को अच्छे से पढ़ते हो दिन में अच्छे से ऑन दिस नॉट शुक्रिया एवरीवन मेरा नाम है प्रशांत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर टेक केयर